मोदी सरकार ने भी भरी अपनी तिजोरी। लंदन से 102 टन सोने की खेप आई भारत। दो साल में 214 टन सोना भारत आ चुका है। भारत का अब भी 324 टन सोना विदेश में है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और द न्यूज के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल आपको बता दें कि धनतेरस पर न सिर्फ आम लोगों ने ही अपने तिजोरी भरे हैं, सोने की खरीदारी की है, बल्कि मोदी सरकार ने भी अपनी तिजोरी भर ली है। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है जहां पर RBI ने अपनी तिजोरी सोने से भर ली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुलासा किया है कि उसने लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों से 102 टन सोना भारत में शिफ्ट कर दिया है। आपको याद दिला दें कि सितंबर के अंत में RBI के पास कुल 855 टन सोना था। इसमें 510.5 टन देश में रखा गया था। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का नवीनतम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। दरअसल सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना विदेश से भारत आ चुका है। आरबीआई और सरकार दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच अपनी होल्डिंग को सुरक्षित करने में लगी हुई है। सरकार में कई लोगों का मानना है कि सोना अपने देश में रखना ही सुरक्षित है। दरअसल आपको बता दें कि TOI ने सबसे पहले 31 मई को रिपोर्ट दी थी कि ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत लाया जा रहा है। 1990 के दशक में भुगतान संतुलन संकट के तौर पर भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब सोने की दूसरी खेप भी भारत पहुंच गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी RBI और सरकार ने सोने को लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की थी। साथ ही इस बात के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि इस बारे में कोई जानकारी लीक ना हो पाए। आपको बता दें कि अधिकारियों ने आगे और शिपमेंट के भारत आने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन इस साल अब ज्यादा सोना शिफ्ट होने की संभावना नहीं है। अब भारत का 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, UK और अन्य केंद्रीय बैंकों के सोने के भंडार के लिए सेफ कस्टडी देता है और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का कस्टोडियन भी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मई में सोने का भंडार भारत लाया गया था, तो इसको लेकर के लोगों ने काफी ज्यादा खुशी जाहिर की थी। ऐसे में BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया मई में जाहिर की थी। सुनिए, जब भारत में सोना मई में आया था तो उसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली हमारी सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन और सुदृढ़ और दूरदृष्टि आर्थिक नीतियों के चलते हुए आज यह स्थिति आई है कि मानो इतिहास के काल चक्र की गति उलट गई है। अब भी भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देशवासियों को याद होगा, एक दौर था 1991 फरवरी का महीना जब भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था। एक दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था 1991, और एक दौर था जुलाई 91 और सितंबर 91 जब दो दो बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था, महंगाई 17% के आसपास थी, बेरोजगारी प्रचंड हो गई थी और ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये वो दौर था जब अर्थव्यवस्था पे ध्यान नहीं था, लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हुए मस्जिद निर्माण का संकल्प ले रहे थे। और आज हमने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, मंदिर भी निर्माण हुआ है, $648 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हुआ है, महंगाई की दर 5% से कम होकर नियंत्रित हुई है। और ये एक सुखद संयोग देखिए, आज 100 टन सोना वापस आने की एक बहुत उत्साहवर्धक खबर भी आई है जो दर्शा रही है कि आने वाले समय में भारत को मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने से, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये उसके शुभ सकारात्मक और स्वर्णिम आपको बता दें
दें कि बुलियन वेयरहाउस को साल 1697 में बनाया गया था। बाद में ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया से, दक्षिण अफ्रीका से आ रहे सोने को संभालने के लिए इसका विस्तार किया गया था। इसमें सोने के तकरीबन 4 लाख बार जमा किए गए हैं। सितंबर की शुरुआत में इन तिजोरियों में लगभग 5,350 टन सोना रखा गया था। बता दें कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना रखने का एक बड़ा फायदा यह है कि उसके पास लंदन बुलियन बाजार में क्विक लिक्विडिटी एक्सेस है और आरबीआई के आंकड़ों से यह पता चलता है कि उसने अपने सोने की होल्डिंग बढ़ा ली है। सितंबर के अंत में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 9.3% थी, जो कि मार्च के अंत में 8.1% हो चुकी है। जिस तरीके से भारत ने सोने का आयात किया है और जो विदेशों में रखा हुआ भंडार है उसे अब भारत अपने यहां पर ला रहा है, आरबीआई अपने यहां पर ला रहा है, तो इससे जाहिर तौर पर जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की आर्थिक कंडीशन है, वो भी काफी ज्यादा मजबूत हो रही है। और जब मई में यह सोना आया था तो लोगों ने काफी ज्यादा खुशी जाहिर की थी और इस चीज को लेकर के प्रतिक्रिया जाहिर की थी और कहा था कि मोदी सरकार में देश काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है और विदेशों में रखा सोना अब भारत आ रहा है। तो वहीं एक बार फिर से दिवाली का मौका, धनतेरस का मौका, जो कि अपने आप में भारतीयों के लिए खास मौका होता है, और ऐसे में धनतेरस के मौके पर भारत में इस तरीके से सोना आना अपने लिए खुशी की बात है। जहां पर धनतेरस के मौके पर हर लोग खरीदारी करते हुए नजर आते हैं, खासकर सोने की खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में भारत और आरबीआई ने भी अपनी तिजोरी भर ली है और इसको लेकर के लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और ऐसे में ये कह रहे हैं कि वाकई में इन 10 से 15 सालों में जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसकी कहीं ना कहीं जो वजह है वो मोदी सरकार को ही मानी जा रही है, क्योंकि उनकी कूटनीति हो या फिर उनकी विदेश नीति हो या फिर जो उनकी आर्थिक नीति है उसको लेकर के ही ये चीजें संभव हो पा रही है। और आज जो विदेशों में सोना रखा गया है भारत का, ये सोच करके कि वहां पर सुरक्षित रहेगा, उन चीजों को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि अपने सोने को अपने जगह रखा जाए, क्योंकि यहां पर ये चीजें ज्यादा सुरक्षित है। और इसी वजह से आरबीआई ने भी ये जो सोना है वो वापस अपने देश मंगा लिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा सोना भारत के पास आ सकता है और भारत इसे अपने यहां पर शिफ्ट कर सकता है। और इसको लेकर के बकायदा कई जगह पर लॉकर्स बनवाए गए हैं, जिसमें जो आरबीआई मुंबई में है सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है ताकि जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बरकरार रहे और किसी भी तरीके का नुकसान इन सोने को, इन खजाने को ना हो सके। वैसे आपको बता दें कि इन 10 सालों में विपक्ष कहीं ना कहीं मोदी सरकार को लेकर के टारगेट करता हुआ नजर आया है, जहां पर मोदी सरकार का ये कहना है कि वो इकॉनमी को बूस्ट दे रहे हैं, इकॉनमी उनके सरकार में बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगाती है कि मोदी सरकार जितना भी धन है, जितनी भी जो देश की प्रॉपर्टीज है वो अपने खास दोस्तों को देते हैं, खास दोस्तों को बेचते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत अब ग्रोथ कर रहा है इन चीजों को लेकर कि यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं जनता के हित में ध्यान रखते हुए काम कर रही है और तमाम चीजों को लेकर के डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो सड़कें हो, एयरपोर्ट हो या फिर तमाम चीजें हो, इसमें लगातार इकॉनमी भी बूस्ट हो रही है और लोग जो हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।